तुम लोग चाहते मुझे किसी का कटाकट बनाना है। मेरे पापा पापा मेरे पापा का बनाता है। तुम्हारे पापा की नेचर बता दो पहले, कैसी है? अच्छे हैं, फ्रेंडली है मेरे साथ, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली। अच्छा, और अगर हम कुछ ऐसा करें कि हम उनको कॉल करते हैं और उनको बोलता हूँ कि पापा मैंने एक लड़की देख ली है और लड़की मुझे जबरदस्ती अपने घर ले आई है और उसके पापा भी राजी हैं और कह रहे हैं कि 3 महीने के अंदर ना शादी करवाओ और हम आपको घर भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, फिर देखते हैं क्या कहते हैं। फिर मुझे ट्रांसफर कर दो। हाँ, मैं आपको दूंगा। अबू का नंबर दो। मोबाइल पापा ने तोड़ के फेंका था? नहीं, मतलब जा लड़की से ले नया मोबाइल। क्या हुआ? गालियां ना सुना दे मुझे। अरे क्या हो गया यार? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। कौन हूँ मैं? जाना आपने? उसामा बात कर रहा हूँ। आपने फोन किया? उसामा बात कर रहा हूँ, उसामा बात कर रहा हूँ। एक मसला हो गया। फारिक है ना? बोलो। एक लड़की थी, मतलब है, सही है, तो उसने मुझे कहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहती है, सही है। मैंने उसको बोला कि भाई देखो, अगर तुम्हारे अम्मी अबू राज़ी हैं, सही है, तो भाई हम कर लेंगे और मैं एक बार तुम्हारी बात अपने घर वालों से करवा दूंगा। अब वो लड़की मुझे ले आई अपने घर पर और उसके अब्बू भी जो हैं वो मेरे सामने हैं, तो कह रहे हैं कि भाई अगर तुम इससे वाकई में प्यार करते हो तो बताओ, हम आपको घर भी ले देंगे, तुम्हें जॉब भी दिला दूंगा, तुम्हें कार भी ले दूंगा। अंकल अभी मेरे सामने बैठे हैं और ये अंकल का ही नंबर है, तो बताओ क्या करना है। चलो दो उनको। अंकल ये ले। हाँ भाई दो भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। माशाल्लाह भाई, बच्चा आपका हमारा बहुत, बिल्कुल मैं आज मिला हूँ इससे, बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा अच्छा बच्चा है भाई, बहुत अच्छा है ये। जी। तो ज़रा कुछ बताएं अपने बारे में। मैं चाह रहा था कि मैंने कहा भाई बड़ों से बात कराऊँ, तो अब बड़े आपस में बात करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। जी। तो क्या माशाल्लाह क्या करते हैं आप? मेरा फ्रूट का कारोबार है। अच्छा जी। खुद भी बेचता हूँ और लोगों को भी देता हूँ माल ना। अच्छा, सही है। बच्चा कैसा है जरा? अब ये तो अपनी तारीफें किए जा रहा है, अब आप सही जानता है, बाप बताता है, जरा मैं चाह रहा था आप बता दें। बेटा मेरा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मैंने अब मुझे देखें, असल बात पता है क्या है? आपका नाम मुझे नहीं मालूम, नाम आपका? मेरा नाम है इसमें मोहम्मद असलम साहब। समिया जो है मेरी अकलौती बेटी है और ये बड़े मन्नतों से हुई है, मेरी बड़ी लाडली बच्ची है ये। तो अब ये है कि मैंने कहा भाई मैं तुम्हें कारोबार सेट करा देता हूँ अपना, मेरा कारोबार है। मैंने कहा मैं तुम्हें कारोबार सेट करा देता हूँ, पैसे अलग दे देता हूँ, गाड़ी दे देता हूँ बच्ची के लिए, तो जितना हम तो भाई खुशी से देंगे, हमारी बच्ची के पास ही जा रहा है, हम तो नहीं जानते ना, अब हम तो चाहते हैं हमारी बच्ची खुश रहे। तो अब ये मैंने कहा भाई तुम्हारे अब्बू रजामंद हैं, अगर तुम्हारे अब्बू चाहते हैं तो मैं तुम्हारे अब्बू से पहले साफ साफ दो बातें करना चाहूँगा, उसके बाद फिर आगे बात बढ़ाते हैं। तो भाई बात ये है जी के अब फोन में तो बात नहीं होती। हाँ जी बिल्कुल, तो सही बात है। संडे को टाइम निकालूंगा, इसके साथ आऊंगा, तो फिर आपके साथ बैठ के मैं सबसे बात करूंगा। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। आपका घर, आपका अपना घर है? क्योंकि जी क्योंकि आमने सामने बैठे होंगे ना भाई, तो फिर जो सच्चाई होगी वो आपको बताऊंगा। हाँ, ऐसे मामलों में, क्योंकि मोहम्मद साहब ऐसे मामलों में झूठ नहीं होता, ऐसे मामलों में हर चीज़ खुली रखनी चाहिए, हर चीज़ साफ करनी चाहिए। मेरा अपना कारोबार है जारबन का। जी। तो अब मैंने बच्चे को बोला, मैंने कहा भाई हम झूठ नहीं होना चाहिए, हर बात पहले बता देनी चाहिए। बेशक झूठ के पाँव नहीं होते मोहम्मद साहब, मोहम्मद असलम साहब झूठ के पाँव नहीं होते, बात इतनी सी है।
गल्ला सचियां ते खरियां जी, तो इंशा अल्लाह आपका बच्चा माशाल्लाह बहुत बहुत मैं कहूँगा नसीबों वाला है, जो मेरी बेटी इसको मतलब प्यार करती है और मेरी बेटी इसके लिए मैं खुद मैंने कहा बेटे ये क्या क्या मतलब ये कौन है, तो कहने लगी नहीं जी मुझे अच्छा लगता है आप इससे पूछे, मैंने कहा बेटा इसका मुंह देखो तुम कैसी बातें कर रही हो ये वो, तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे पसंद है, मैंने कहा चलो ठीक है ठीक है। अब ये कि नसीबों वाला देखें हर चीज़ इसको पहले से मिल रही है माशाल्लाह, ये गाड़ी इसको दे रहे हैं हम हर चीज़ देंगे पहले, और ये लकी इस बारे में इसको माशाल्लाह पहले से ही बाप भी है, इसके चार बच्चे भी हैं ना मेरी बेटी के, चार बेटे हैं जी जी, तो ये चार बेटे साथ रहेंगे। चलें अभी मैंने बताया ना कि आपसे मैं बात करूंगा। हाँ जी आपसे मैं बात करूंगा। हाँ जी तो फिर बड़ा बड़ा बेटा जो है ना मेरी बेटी का जो बड़ा बेटा है वो असलम साहब वो है 12वीं क्लास में। हाँ जी 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 बड़ा बेटा, और जो सबसे छोटे वाला है मेरी बेटी का बेटा वो अभी 5वीं में है। सही है। हाँ जी, तो ये मैंने कहा भाई चलो सोच समझ के कर रहे हो, बच्चों को संभाल लोगे बाप का प्यार दोगे, तो ये कह रहा है हाँ भाई मैं बाप का प्यार दूंगा बच्चों को चारों को, इसने तो कह रहा है मैंने इस्तखारा भी करा लिया है, मैंने कहा चलो ठीक है भाई अब ये बात कर लें आप इससे, ये बात मैं फोन दे रहा हूँ इसको। हेलो हाँ हाँ बोलो क्या करना है यार, ये भी मुझे कह रहा है घर नहीं जाओगे तुम, ये नहीं करोगे यहीं रहोगे, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, चलें मैं आपको फोन करता हूँ। हाँ तुमने कभी मुझसे ऐसी बात की है तो अभी तुम घर पे आओ फिर बात करते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना। अंकल मैं आ रहा हूँ जरा, अंकल मैं आ रहा हूँ। हाँ बेटा ठीक है चलो भाई। अच्छा सुने तो सही मैं भी साइड पे आया हूँ ना, अरे उसके चार बच्चे हैं लेकिन लड़की 28 साल की है भाई, पैसे आ जाएंगे घर आ जाएगा और क्या चाहिए मुझे यार, सारी जिंदगी की है मैंने यार, एक 70 मिली है मुझे बस भाई, हमको घर गुड़ नहीं चीजें चाहिए ऐसे, मैं जब घर पे आऊंगा फिर बात करेंगे, तो फिर बात होगी तुम्हारी मामा के सामने, वही फैसला करेगी, मैंने कौन सा फैसला करना है। अभी करें ना फैसला यार, वो अंकल कह रहे हैं अभी करो फैसला, अभी करेंगे निकाह ये वो, दिमाग खराब कर रहा है मेरा। अगर नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम घर पर जाओ मैं भी आऊँगा फिर बैठ के बात करेंगे। ये ले अंकल। हाँ जी मोहम्मद साहब असलम भाई, तो 10 तक आप आ जाएं तो निकाह की तैयारी कर लेते हैं। नहीं मैं तो अभी नहीं आऊंगा, आज ही मुंह मीठा करते हैं, आज करते हैं मुंह मीठा, संडे दूर है। असल में पता है क्या, ये जो बच्चे हैं ना मेरी बेटी के बच्चे, ये कह रहे हैं हमें अब्बू चाहिए, तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी अब्बू चाहिए, तो अभी निकाह आज कर लेते हैं 10 बजे तक। तो आप भाभी को फोन कर दें, अंकल ने कॉट काट दी। हमें कॉल कर इनको बताओ, ये सीरियस हो जाएंगे घर पे कॉल कर देंगे मामा है ना, मुझे भी लग रहा था 10 बजे निकाह हो रहा है। क्यों करवाई कॉल, मैंने कहा था बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।